ये बॉलीवुड की ऑफिशियल प्रिटी वुमन है। ये आई तो थी मुंबई अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने, लेकिन यहाँ आते ही इन्हें लग गया बॉलीवुड का चस्का। लिरिल और पर्क के एड से इन्होंने बहुत ज्यादा पब्लिसिटी कमाई और इसके बाद साल 1998 में ये दिखाई दी किंग खान शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल से में। हम बात कर रहे हैं प्रिटी जिंटा की। कहना पड़ेगा कि प्रिटी जिंटा के लिए बॉलीवुड में एंट्री वॉज लाइक अ केक वॉक। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही सुपर हिट फिल्में दी और उन्हें नंबर वन की पोजीशन पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और प्रिटी जिंटा की चॉइसेस ऑफ फिल्म भी काफी अच्छी रही। जहां फिल्मों में प्रीति की बहुत अच्छी चॉइसेस थी, वहीं लव लाइफ में उन्होंने चॉइस करने में थोड़ी गलती कर दी। नेसवाडिया के साथ प्रिटी जिंटा का बिगड़ा हुआ रिश्ता जंग जाहिर है। तो आज कब क्यों और कैसे में हम आपको बताएंगे कि कब प्रिटी जिंटा को मिले नेसवाडिया, क्यों इन दोनों का ब्रेकअप हुआ और कैसे इन दोनों का रिश्ता कोर्ट में आकर खत्म हुआ। ये बात है 2004-2005 की। प्रीति जिंटा अपने करियर के टॉप टाइम पर थी। उनकी फिल्में दिल चाहता है, कल होना हो, वीर जारा सुपर डुपर हिट रही थी। इंडस्ट्री के हर बड़े प्रोडक्शन हाउस से प्रीति जिंटा को ऑफर था और वो हर बड़े स्टार के साथ काम कर रही थी। इनफैक्ट प्रीति जिंटा बॉलीवुड की उन चंद एक्ट्रेसेस में से थी जो तीनों खान्स के साथ यानी कि शाहरुख सलमान और आमिर के साथ काम कर चुकी थी। इसी दौरान प्रीति जिंटा एक फैशन शो में एज अ जज बनकर गई और यहीं पर उनकी पहली बार मुलाकात हुई नेसवाडिया से। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था नेसवाडिया की मदर ने ही और प्रीति जिंटा वहां पर एज अ जज बनकर गई थी। पहली मुलाकात के बाद नेस और प्रीति के मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे और इसीलिए कई बार नेसवाडिया प्रीति जिंटा के शूटिंग सेट पर भी जाया करते थे। प्रीति जिंटा जब सलाम नमस्ते की शूटिंग कर रही थी अब्रॉड में, तब नेसवाडिया भी उनके साथ थे। इनफैक्ट इस फिल्म के एक सीन में नेसवाडिया को बस में बैठे हुए दिखाया गया है। फिल्म के क्रेडिट्स में भी नेसवाडिया का नाम है। प्रीति जिंटा हमेशा अपने रिलेशंस के बारे में ओपन रही है। उन्होंने नेस के साथ भी अपना रिश्ता मीडिया से छुपाया नहीं और वो बॉलीवुड के कई इवेंट्स में नेस के साथ जाती थी। इन दोनों की पहली ग्रैंड पब्लिक अपीयरेंस थी अभिषेक और ऐश्वर्या राय की शादी, जहाँ पर प्रीति जिंटा नेसवाडिया के साथ हाथों में हाथ डाले दिखाई दी थी। नेसवाडिया भी प्रीति जिंटा को इम्प्रेस करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। नेसवाडिया ने 2006 में प्रीति जिंटा के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो की। ये पार्टी बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप पार्टीज थी और इस पार्टी में बॉलीवुड के सारे टॉप सेलिब्रिटीज इनवाइटेड थे, जिनमें से एक थे शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और करण जौहर। कहना गलत नहीं होगा कि वो टाइम था जब प्रीति जिंटा अपने सक्सेस को एंजॉय कर रही थी। टॉप एक्टर्स के साथ काम करना, सुपरस्टार्स के साथ दोस्ती और एक हाई प्रोफाइल बिजनेस टाइकून के साथ रिलेशनशिप, प्रीति जिंटा हैड ऑल ऑफ इट। अब मैं एंजॉय कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि घर चलो। जहाँ नेस से प्रीति का रिलेशनशिप मजबूत हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनका करियर उनके हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा था। हालांकि इस दौरान भी प्रीति जिंटा ने बड़े बजट की, बड़े बैनर्स की फिल्में की, जैसे कि कभी अलविदा ना कहना, झूम बराबर झूम, लेकिन इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद 2008 में प्रीति जिंटा ने नेस के साथ अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया। ये था अपनी IPL टीम का, किंग्स 11 पंजाब। प्रीति जिंटा मूवीज में तो कम दिखाई दे रही थी, लेकिन बिजनेस मीटिंग्स में वो ज्यादा दिखाई दे रही थी। और कहना पड़ेगा, जब भी प्रीति जिंटा नेसवाडिया के साथ इन मीटिंग्स में वॉक इन करती थी, ये कपल बहुत ही रॉयल लगता था। शायद कहीं ना कहीं प्रीति ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपने बिजनेस में ही आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे नेस के साथ अपनी लाइफ सेटल कर लेंगी। लेकिन फिर आया 2009। इस दौरान एक पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि इस किस्से के बाद प्रीति और नेस का ब्रेकअप हो गया। प्रीति और नेसवाडिया एक पार्टी में गए थे। कहा जाता है कि नेसवाडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हैं, वहीं प्रीति जिंटा एकदम फ्री स्पिरिट है। पार्टी में प्रीति और नेस में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कहासुनी हो गई और नेस ने गुस्से में आकर प्रीति जिंटा को एक थप्पड़ जड़ दिया। बस यही वो दिन था। इसके बाद प्रीति जिंटा ने नेस के साथ ब्रेकअप कर लिया। दोनों का रिश्ता तो खत्म हो गया था, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप अभी भी थी। दोनों अब सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ते में थे। ये दोनों IPL की बिजनेस मीटिंग्स में नजर तो आते थे, लेकिन एक साथ कभी भी नजर नहीं आए। प्रीति जिंटा से उनका रिलेशनशिप जा चुका था और उनका करियर, जब वो टॉप की एक्ट्रेस थी, वो भी जा चुका था। नेस से रिश्ता टूटने के बाद
प्रीति जिंटा के पास एक ही रास्ता बचा था, बॉलीवुड में फिर से लौटने का। लेकिन बॉलीवुड में फिर से लौटना इतना आसान नहीं था। वो काफी टाइम तक बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर हो चुकी थी और उनकी जगह तेजी से ले ली थी दीपिका पादुकोण ने, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर ने। ऐसे में प्रीति जिंटा को बॉलीवुड में किसी बड़े बैनर की फिल्म और किसी बड़े स्टार के साथ फिल्म मिलना बहुत ही मुश्किल हो गई। प्रीति जिंटा ने डिसाइड किया कि वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करेंगी और वो खुद उसमें एक्ट करेंगी। तो 2013 में उनकी फिल्म आई इश्क इन पेरिस। इस फिल्म में प्रीति जिंटा ने सलमान के साथ एक स्पेशल सॉन्ग भी रखा और कहा जाता है कि क्योंकि प्रीति जिंटा और सलमान में बहुत अच्छी दोस्ती है, सलमान खान ने इस सॉन्ग के लिए प्रीति जिंटा को एक रुपया भी चार्ज नहीं किया। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर आया ईयर 2014 जब प्रीति जिंटा और नेसवाडिया में बहुत बुरी लड़ाई हुई। ये टाइम था आईपीएल मैचेस का। 30 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब्स के बीच मैच चल रहा था वानखेड़े स्टेडियम में। वहीं पर प्रीति जिंटा और नेसवाडिया के बीच ड्रेसिंग रूम में कुछ आर्ग्यूमेंट हुई। इस आर्ग्यूमेंट ने इतना बुरा रूप ले लिया कि नेसवाडिया ने प्रीति जिंटा पर हाथ भी उठा लिया। इसके बाद प्रीति जिंटा दौड़कर स्टेडियम में आ गई और वहां पर भी नेस और प्रीति के बीच वो झगड़ा चालू रहा। ये झगड़ा कई लोगों ने देखा और टीवी पर भी आया था। इसके बाद प्रीति जिंटा ने जून में नेसवाडिया पर कोर्ट केस कर दिया। इसी तरह खत्म हुई बॉलीवुड की एक और खूबसूरत लव स्टोरी। हालांकि इस अगली फाइट के बाद प्रीति ने मूव ऑन किया। उन्होंने बॉलीवुड में फिर से कमबैक करने की कोशिश की। 2014 में उनकी फिल्म आई थी हैप्पी एंडिंग। इसके बाद 2018 में वो भैया जी सुपरहिट में सनी देओल के साथ दिखाई दी थी, लेकिन ये मूवीज चल नहीं पाई। प्रीति बॉलीवुड में तो दमदार एंट्री नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में 2016 में एक दमदार डिसीजन लिया। उन्होंने शादी कर ली जेन गुडनफ से और वो अब हैप्पीली अपनी लाइफ उनके साथ बिता रही हैं। वेल वी होप कि प्रीति जिंटा कभी हमें किसी अपने बड़े सुपरस्टार के साथ किसी फिल्म में नजर आए। कब, क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड ठिकाना को।